गाइस मेरे पास एक सवाल है, आप किन बातों पे विश्वास करते हैं? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या अपनी आंखों से देखी गई बातों पे? अब इससे रिलेटेड एक बड़ी मजेदार कहानी है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों से पूछा कि भाई ये बताओ कि सच और झूठ इसमें कितना फर्क होता है। अब दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दें, तो फिर लास्ट में बादशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि सच और झूठ में कितना फर्क होता है। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, सच और झूठ में मात्र 4 उंगल का फर्क होता है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगे। अब ये देखते हुए जो दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरा करते थे, वो कहते कि ये क्या जवाब हुआ, ये तो सच नहीं है। तो फिर अकबर ने कहा कि तुम गलत प्रूव करके दिखाओ बीरबल को, तो वो चुप हो गए। तो फिर उन्होंने बीरबल को कहा कि तुमने जो भी जवाब दिया उसका स्पष्टीकरण दो, ढंग से बताओ। तो बीरबल ने क्या कहा पता है? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, अधिकतर जो हम कानों से सुनते हैं वो झूठ होता है, और जो आंखों से देखते हैं वो सच होता है, और कान और आंख में मात्र 4 उंगल का ही फर्क है। जनरली लोग कानों के बहुत कच्चे होते हैं, वो उन बातों पे विश्वास कर लेते हैं जो सिर्फ वो सुनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक आप देख के परख नहीं लो, बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि सच और झूठ में मात्र 4 ही उंगल का फर्क होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच।